तो गाइस हम लोग जा रहे हैं लाल दरवाजा मस्जिद और वहां पर आपको हम दिखाएंगे। अभी हम रास्ते में हैं। लाल दरवाजा आगे जाए। तो अभी हम लाल दरवाजा के रास्ते में हैं और हम पहुंचने वाले हैं लाल दरवाजा पे। तो गाड़ी एकदम तेज चलाई जा रही है, ये देख सकते हैं एकदम तूफान मेल चल। समय का अभाव होने के कारण गाड़ी को हम तेज चला रहे हैं, लेकिन हम सेफ्टी का पूरा ध्यान रखे हुए हैं। यहाँ पर हेलमेट पहने हुए हैं हमारे ड्राइवर साहब, आप देख सकते हैं। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ जौनपुर के लाल दरवाजे के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जौनपुर का लाल दरवाजा है, ये काफी ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा इसके हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं। मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें पूरी डिटेल में, तो चलिए मैं आपको पूरी विजिट कराता हूँ इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। लाल दरवाजा मस्जिद, इसे रोबी गेट मस्जिद भी कहते हैं, जौनपुर शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। इसे 1447 ईस्वी में सुल्तान महमूद सारकी की बेगम बीबी राजी ने बनवाया था और यह मस्जिद जौनपुर के एक मुस्लिम संत मौलाना सैयद अली दाऊद कुतुबुद्दीन को समर्पित है। इसे खास तौर से बेगम के निजी प्रार्थना कक्ष के रूप में बनवाया गया था। इस मस्जिद की वस्तु शिल्पीय शैली अटाला मस्जिद से काफी मिलती जुलती है, हालांकि आकार के मामले में कहा जाए तो यह अटाला मस्जिद से छोटा है। इसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में तीन दरवाजे हैं जिसके जरिए इसके अंदर पहुंचा जा सकता है। इसका पूर्वी गेट लाल पत्थर से बना है। इतना ही नहीं, यह मस्जिद रानी बीबी राजी के महल के लाल दरवाजे के बगल में ही है, यही वजह है कि इसे लाल दरवाजा मस्जिद कहा जाता है। आज भी इनके वंशज अभी भी यहाँ रहते हैं। मोहल्ला बाजार बुआ पंडरीबा जौनपुर और मोहल्ला नमाज गाह लाल दरवाजा। मोहल्ला नमाज गाह का नाम बीबी राजे ने रखा था, जिन्होंने यहाँ एक मठ और एक कॉलेज भी बनवाया था। कॉलेज में सक्षम उलेमा और विद्वानों और प्रोफेसरों का स्टाफ था और पूरे देश के छात्रों को भर्ती किया गया था। मुस्लिम ख्वातीन की तालीम पृष्ठ 36 में उल्लेख है कि रानी बीबी राजे द्वारा जौनपुर में 845 और 1441 में महिला शिक्षा के लिए एक स्कूल की स्थापना की गई थी। 1409 हिजरी में 860 हिजरी तामीर ए कादिम और तामीर ए महरब। लाल दरवाजा मस्जिद का नाम बीबी राजे के शाही महल के सिंदूर से रंगे ऊंचे प्रवेश द्वार पर पड़ा है जो इसके बगल में खड़ा था। यह चरम उत्तम पश्चिमी में स्थित है। इसे मोहल्ला लाल दरवाजा या बेगमगंज के नाम से भी जाना जाता है। लाल दरवाजा मस्जिद के अंदर अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं जहाँ पर लोग नमाज अदा करते हैं और यहीं पर कुछ मदरसे भी हैं जिनमें बच्चों को तालीम दी जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही बड़ा इसका पंडाल है, बहुत ही बड़ा इसका परिसर है। इसके परिसर में अलग अलग साइड पर बच्चों को तालीम दी जाती है, वहाँ पर मौलवी जी आकर बैठकर पढ़ाते हैं उन्हें। और यहीं पर बच्चों का हॉस्टल भी है और यहीं पर बच्चे रहते भी हैं। आप इसे आकर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन लोकेशन है और ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पर हिस्टोरिकल मोमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हुए हैं। और लाल दरवाजा के बाहर साइड पे भी अलग अलग तरीके के हॉस्टल बनाए गए हैं और वहाँ पर बच्चे आकर यानी शिक्षा लेते हैं। तो यहाँ पर जो आने का समय है, आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ पर वर्किंग डेज में बच्चों की क्लासेस चलती है तो आप इसका ध्यान जरूर रखें और वहाँ पर जाकर ज़्यादा डिस्टर्ब न करें। आप उनसे परमिशन लेकर वहाँ पर आराम से घूमकर फोटो क्लिक करके आप आ सकते हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है, बशर्ते आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ज़्यादा शोर न मचाएं। यह शाही पुल से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहां पर किसी भी ट्रांसपोर्ट की मदद से आसानी से पहुंच सकते हैं। जौनपुर का लाल दरवाजा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसी तरीके के मजेदार ब्लॉग्स लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।